हाय फ्रेंड्स, तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 2016 की है क्वेश्चन पर दिखेगा, तो उसकी की आंसर है ये गवर्नमेंट की ओर से जो आता है, यानी जब भी पेपर इवेल्यूशन हम करते हैं तो उस समय इस तरह की जो है हमें क्या करते हैं, एक की आंसर देते हैं, तो उसके हिसाब से मार्क्स देते हैं। तो ये देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन डाला गया है और उसके बाद एक एक मार्क्स की सभी डायरेक्ट उत्तर लिखते जाने हैं और उसके बाद ये हैं बड़े बड़े आंसर, इस तरह लिखते जाना है। और इसमें आप चाहे तो पाठ का नाम, राइटर का नाम, जो लेखक जो है उनका नाम आप लिखे तो और भी अच्छा होगा। और उसके बाद ये 3 मार्क्स के आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी बड़े बड़े आंसर है। देखिएगा, इतने इस तरह विस्तार से आप जब लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आती है बात यहाँ पे किसने किसे कहा है, तो ये जो है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत गलत करते हैं कि एक मास के लिए जो आंसर रहता है उसको बड़े बड़े उत्तर लिखते जाते हैं। वैसे नहीं करना, ये एक मास के लिए है, यानी किसने किसे कहा है डायरेक्टली बताना है, यानी सुजाने यहाँ पे बुला के से कहा है। यहाँ पे जब इस स संदर्भ भाव आता है तो उस समय आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा विस्तार से लिखना है। यहाँ पे प्रसंग आता है, कहाँ से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, पाठ का नाम, सब कुछ यहाँ पे डालना है और स्पष्टीकरण डालते जाना है इसका। और एक जो एक पैटर्न है वो भी आपको मैं बताती हूँ। और ये है, देखिएगा, ये संदर्भ का है, ये भी संदर्भ का है, यहाँ पे भी संदर्भ का है। यहाँ पे देखिए कहाँ से लिया गया है, पाठ का नाम, राइटर का नाम के लिए 1 मार्क्स आता है, स्पष्टीकरण जो है उसके लिए भी हमें 2 मार्क्स मिलते हैं, टोटल यहाँ पे 3 मार्क्स के हैं। और ये है एक एक मार्क्स के उत्तर, ये भी 3 मार्क्स के हैं, ये भी आप देख सकते हैं बड़े बड़े आंसर हैं। और संदर्भ भाव स्पष्टीकरण यहाँ पे भी आप देख सकते हो, रैदास पानी, संत रैदास, यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया है। ऐसे यहाँ पे दोहों का हो या कविताओं का हो, ऐसे आपको उत्तर लिखते जाना है। यहाँ पे कविता है, यहाँ पे भी एक एक मास की जॉब आता है, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी एकांकिया है उसमें से ज़्यादा आते हैं, तो भी आप देख सकते हैं एक एक मास की। और यहाँ पे बड़े बड़े आंसर है उसके, 5 मास के हैं, तो इसको क्या करना है आपको विस्तार से लिखना है। शॉर्टकट में 2 लाइन ले 4 लाइन लिखे, 5 लाइन लिखे, इस तरह नहीं करना है, पूरा उत्तर उसमें आना ज़रूरी है, तभी आपको यहाँ पे 5 मार्क्स जो हैं मिल सकते हैं। ये देखिएगा, ये हैं बड़े बड़े आंसर। अब आती है बारी व्याकरण की, वाक्य शुद्धिकरण, डायरेक्ट उत्तर लिखते जाना है, कोष्ठक है। देखिएगा यहाँ पे उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट उत्तर लिखा है। और यहाँ पे देखिए वाक्य को सूचनानुसार बदलना है, जो वाक्य देते हैं भूतकाल हो, भविष्यकाल हो, वर्तमान काल हो, जो भी है, जो भी जिसमें इसमें देते हैं, तो उसको सोच समझ के आपको क्या करना है, वो उत्तर लिखना है। मुहावरे आते हैं, इसको लिंग डायरेक्ट उत्तर लिखते जाना है, ये है व्याकरण। और अंतिम बारी आती है यहाँ पे निबंध की, निबंध जब भी आप लिखते हो तो ये जो है ये पॉइंट्स उसमें लिखने जरूरी है, प्रस्तावना, ये दिखिएगा यहाँ पे लिखा है किस तरह लिखा है, ये सभी जो है तत्व उसमें आने जरूरी है निबंध लिखते समय। और यहाँ पे आती है बारी पत्र की, तो पत्र जो है उसमें भी ये 5 जो है जो पॉइंट्स जो है उसमें आने चाहिए, तभी आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं। अनुच्छेद तो आपको उसी में उत्तर मिल जाता है, और ये रहा अनुवाद। तो इस तरह आपको क्या करना है कि एक एक मार्क्स के आंसर, बड़े बड़े आंसर किस तरह लिखने हैं और कहाँ कहाँ पे आपके मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं उसको हमें दिखाया है। तो अच्छी तरह से आपको क्या करना है, पेपर लिखना है।